हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। आज मैं बनाने वाली हूँ इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ट्राइकलर पास्ता रेसिपी, तो आप लोगों के साथ भी मैं ये रेसिपी शेयर करती हूँ। चलिए देख लेते हैं आज की रेसिपी। ट्राइकलर पास्ता बनाने के लिए पहले हम व्हाइट सॉस पास्ता बना लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक पैन हीट कर लिया है। उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा बटर। बटर मेल्ट हो चुका है, उसमें हम डालेंगे 2 स्पून के करीब मैदा। बटर के साथ मैदा को सौटे कर लेंगे, अच्छे से 2 मिनट तक पकाएंगे जब तक मैदा का रॉ स्मेल ना चला जाए। मैदा अच्छे से कुक हो चुका है। मैं यहाँ पे 200 के करीब मिल्क ले रही हूँ, उसको मैं थोड़ा थोड़ा डाल के मिलाते जाऊँगी ताकि यहाँ पे कोई लम्स ना रह जाए और ये बर्न ना हो जाए। यहाँ पे हमने अभी पूरा मिल्क यूज़ कर लिया है, अच्छे से मिल्क को मिला भी लिया है, तो ये क्रीमी टेक्सचर आप देख सकते हैं। अभी मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और ये थोड़ी सी ऑरिगेनो। ये सबको अभी डाल के इसमें मैं मिला लूंगी। इसमें और थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ। चीज़ यहाँ पे मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ पास्ता और इसको मिला लेंगे। लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट। अपने स्वाद के अनुसार सॉल्ट डाल सकते हैं आप। पास्ता बॉईल करने के टाइम में भी हमने सॉल्ट यूज़ किया था, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सॉल्ट डाल सकते हैं। अब इसको मैं 3 पोर्शन में डिवाइड कर लूँगी। इसको आगे मैं टमाटो पास्ता और मीट पास्ता बनाने के टाइम में यूज़ करूँगी। अब हम बनाएंगे टैंगी टमाटो सॉस पास्ता। तो इसके लिए मैंने एक पैन गरम करके उसमें ऑयल डाल दिया है और यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड ऑनियन। और गार्लिक और ऑनियन को मैं सॉटे कर लूँगी ऑयल के साथ। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ और थोड़ा सा कैरेट, क्योंकि कैरेट रेड कलर का है और इसमें सिर्फ मैं कैरेट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अभी मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट और मैं इसको मिला लूँगी। पहले से हमने व्हाइट सॉस पास्ता में भी सॉल्ट यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा सॉल्ट डालना है। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ टमाटो प्यूरी। ये टमाटो प्यूरी बनाने के लिए मैंने एक बड़ा सा टमाटो बॉईल कर लिया था और उसमें थोड़ा सा टमाटो केचप और रेड चिल्ली पाउडर भी मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी। इन सबको मिला के मैं 2 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। अभी कुक हो चुका है, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पास्ता मसाला। अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी पहले से प्रिपेयर किया हुआ व्हाइट सॉस पास्ता। अभी हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा कलर आया है। मैंने यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल फूड कलर यूज़ नहीं किया है। अभी हमारा टैंगी टमाटो पास्ता बनके रेडी है। अब देखते हैं मीट पास्ता के लिए। अब हम बनाएंगे मीट पास्ता। मीट पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन गरम कर लिया है, ऑयल डाल दिया है और उसमें डाल रही हूँ चॉप्ड गार्लिक और ऑनियन। ऑनियन और गार्लिक को 2 मिनट्स के लिए सॉटे कर लेंगे। यहाँ पर डाल रही हूँ ग्रीन कलर का कैप्सिकम। आप चाहे तो ग्रीन कलर का और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूँगी और उसको अच्छे से मिला लूँगी।
मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 स्पून सोया सॉस। अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी मिंट चटनी। मिंट चटनी बनाने के लिए मैंने मिंट लीफ और ग्रीन चिली सॉस का इस्तेमाल किया था। अब लास्ट में मैं ऐड कर दूंगी व्हाइट सॉस पास्ता। ये सबको अच्छे से मिला लेंगे और ये देखिए कितना अच्छा ग्रीन कलर आया है। मैंने यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। अब हमारा तीनों कलर का पास्ता रेडी हो चुका है। अब हम उसे प्लेट में सजा देंगे। पहले लेयरिंग में मैं यहाँ पे दे रही हूँ टैंगी टमाटो पास्ता। दूसरे लेयर पे मैं यहाँ पे दे दूंगी व्हाइट सॉस पास्ता और तीसरी लेयर पे मैं यहाँ पे ग्रीन मिंट पास्ता दे दूंगी। गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पे एक मिंट लीफ लगा रही हूँ। अब हमारा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ट्राई कलर पास्ता बनके रेडी है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं और कलर देख सकते हैं, ये कितना सुंदर होके तैयार हुआ है। इस इंडिपेंडेंस डे मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं फिर मिलती हूँ आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।